शास्त्रों में लिखा है मेरी माँ, जहां एकता होती है ना, जहां परस्पर प्रेम होता है ना, वहां देवी देवता भी रहते हैं। जहां एकता है वहां सब है, जहां एकता नहीं कुछ नहीं। इसलिए पति पत्नी एक रहो, पुत्रों को भी अपने भजन कीर्तन में सम्मिलित करो और भाव से। गृहस्थी सच्चा कौन मैया, पति पत्नी हो जाना, शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, केवल यह गृहस्थी नहीं है। गृहस्थी का परम कर्तव्य है कि आपके घर से कभी कोई भूखा ना जाए, आपके घर से कभी कोई सच्चा गृहस्थी भूखा नहीं जाने देता। कोई आए अतिथि देवो भव, हमारे भीतर अतिथि भगवान है, ये भाव होना। सच्चा गृहस्थी वही है जो अतिथि को भगवान माने, गुरु को भगवान जाने। माता पिता की सेवा करो सवेरे शाम, शाम को जरा जो बेटा अपनी माँ के पांव दबाता हो, जो बहू अपनी सास के पांव दबाती हो, हे भगवान वो घर नहीं वो स्वर्ग है, उसी घर में जन्म हो अच्छे लोगों का। जहाँ ऐसे विचार हो, जहाँ एकता हो, जहाँ बड़ों का आदर हो, सम्मान हो, बड़ों का छोटों पे प्रेम हो, छोटों का बड़ों के प्रति सम्मान हो। हाँ, आपके घर में बढ़िया भोजन बने सबसे पहले तो बिना भोग लगाए कोई खाना नहीं चाहिए। जो भी बने दाल चावल सब्जी रोटी, सबसे पहले थाली पे रखो दाल चावल सब्जी रोटी, तुलसी का पत्ता डालो, पहले भोग लगाओ, हे भगवान जी खाओ, पांच टुकड़े रोटी के तोड़कर भगवान को खवाओ, लो प्रभु खाओ, ऐसे खवाओ, हे प्रभु खाओ, हे भगवान भोग लगाओ, हे प्रभु भोजन करो, ऐसे खवाना चाहिए भगवान को, भाव से खवाना चाहिए, है ना। अब आप लोग ना थाली उठाए भगवान के सामने रख दिए, खाओ तो खाओ नहीं चूल्हे में जाओ, ये कोई बात है ऐसा नहीं। भगवान को थाली रखो मत, थाली रखो अपने हाथ से, रोटी तोड़ो, साग लगाओ, दाल लगाओ, भगवान को मुंह के तक ले जाओ, फिर भाव बनाओ कि आप भाव बनाएंगे कि भगवान के मुंह पे चला गया, भगवान खा रहे हैं। हाँ? फिर भाव बने, फिर भगवान को बढ़िया पांच बार तो कम से कम खवाओ। बच्चों को कैसे खवाते हैं, बच्चों के सामने थाली रख दो तो खा लेते हैं क्या? अरे बच्चे को तो माँ पकड़ पकड़ के खवाती, खा ठूसती है मुंह में, खा। ऐसी भगवान को भाव से खवाओ, भगवान भी तो बच्चे हैं, छोटे लड्डू गोपाल जी, बाल रूप है उनका। अब उनको रख दिया आपने, अरे खवाओ हाथ से ठाकुर जी को प्यार से खवाओ, और फिर मुंह पहुंचो उनका, बच्चे का मुंह पहुंचती हो, मुंह पहुंचो, फिर पानी पिलाओ, भगवान जी पानी पियो, पानी पी लिया, फिर अब बड़े प्रेम से ठाकुर जी को लगा दिया ना भोग, अब थाली उठा लो, ये नहीं कि पड़ी है शाम को ही उठाएंगे। इतने आलसी होते हैं ना लोग, सवेरे रख दिया शाम को उठाएंगे। थाली भगवान को खवा के उठाओ, और फिर क्या करो, दाल को दाल में डाल दो, वो थाली में जो भगवान के लिए तुमने निकाला था ना, उसे दाल को दाल में डालो, चावल को चावल में डाल दो, रोटी को रोटी में मिलाने से क्या होगा, पूरा भोजन प्रसाद बन जाएगा, सब में प्रसाद मिल जाएगा ना। भगवान का जूठन मिलाने से पूरा आपका भोजन क्या बन गया, प्रसाद बन गया। और फिर वो प्रसाद जब आप खाएंगे तो उसमें स्वाद भी ज्यादा होगा, वो प्रसाद बच्चे खाएंगे। तो भगवान की चर्चा करते करते खाया करो, भगवान का चिंतन करते करते खाया करो, भगवान का कीर्तन करते करते, बड़े प्रेम से भगवान को याद करते करते खाया करो, फिर देखना घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। ये अतिथि ऐसे, ये गृहस्थी ऐसे होते हैं। अब गृहस्थी आजकल कैसे हैं, बस पति पत्नी हैं, दिन भर कमाए, रात को आए और बस सांसारिक भोगों को भोग कर सो गए, बस यही गृहस्थिया। बच्चे पैदा करो, पैसा कमाओ, बस और मर जाओ आखिरी में, बीमार होके खत्म, यही चलता, यही तो सामान्य जीवन है लोगों का, भोगमय जीवन हो गया है लोगों का। भगवान की पूजा पाठ संस्कार सब पीछे रह गए, इसलिए आप मत रहने दीजिए पीछे। छोड़ दिया लोगों ने सो छोड़ दिया, आप तो पकड़ो,
इसी से गति है। काम करो, पैसा कमाओ, जो पैसा मिले भगवान के चरणों में रखो। हे प्रभु, इतनी सैलरी मिली, महीने का ये तनख्वाह मिली है आपके चरणों में, और बड़े भाव से ठाकुर जी की सेवा, भगवान का उत्सव घर में किया करो। जन्माष्टमी घर में बढ़िया मनाया करो, राम नवमी घर में बढ़िया मनाया करो, अमावस पूर्णिमा को भगवान की सत्यनारायण भगवान की कथा रखा करो। सामर्थ्यवान हो तो ठीक है, सत्यनारायण भगवान की कथा में कितना लगता है, चलो नहीं रख सकते कोई बात नहीं, अमावस पूर्णिमा को घर में पड़ोसन को बुलाकर, पड़ोसियों को बुलाकर कीर्तन रखवाया करो। चलो आज कीर्तन करते हैं, आपके घर में श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा। कन्याओं को बुलाया करो हर पूर्णिमा में, जो चार बच्चियों को बुलाया करो उनको भोजन कराया करो, छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर भोजन कराया करो, दो दो दस दस रुपए दक्षिणा दिया करो, करो हर अमावस पूर्णिमा करो, क्या घटेगा। पांच कन्याओं को भी तुमने बुलाया हर पूर्णिमा में और दस दस रुपए दिया, तो पांच कन्याओं में कितना हुआ बोलो, पचास रुपया हुआ, पचास रुपए लगा आपका। पांच कन्याओं को, सात कन्याओं को तो सत्तर, आठ कन्याओं को तो अस्सी, बुलाओ और पांव धो के बढ़िया भोजन कराओ, प्रसाद पवाओ, बढ़िया पूड़ी सब्जी खीर बनाओ, एक किलो आटा की तो पूड़ी बच्ची थोड़ी खा लेंगी सारा, खवाओ पिवाओ बढ़िया, और दक्षिणा दो, दस दस रुपए, बीस बीस रुपए, सौ सौ रुपए आपकी क्षमता के अनुसार हर पूर्णिमा को किया करो, हर अमावस्या को किया करो, क्या घट रहा है। समय निकालो, एक घंटे समय निकालो, सेवा करो। कोई आसपास हो आज, दो चार ब्राह्मणों को बुला लो, आसपास ब्राह्मणों को बुलाओ, पांच ब्राह्मणों को, दस ब्राह्मण, खुशी से। आदमी जब मर जाए ना तभी तेरे ही के लिए ब्राह्मण बुलाता है, खुशी राजी मर्जी से कोई नहीं बुलाता। राजी मर्जी में भी कभी खिला लिया करो कि मरने पे खिलाओगे, राजी मर्जी की भी खवाया करो। बड़ी ब्राह्मणों को बुलाओ, चार छह ब्राह्मण बुलाओ, दस ब्राह्मण बुलाओ, आओ ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों का भोजन करो। आपके आसपास झोपड़पट्टी में लोग रहते कि नहीं, फुटपाथ पे कभी उनको निमंत्रण दिया करो, आओ साहब आज हमारे घर भोजन पे आना, बुलाओ उनको बुलाओ। और चलो बुलाओ मत घर पे भैया, कोई बात नहीं, आज के जमाने में खतरा है, कौन आदमी कैसा आ जाए, चलो कोई बात नहीं, तो भोजन बना के ले जाओ, बढ़िया पैकिंग करके ले जाओ, चलो पैकिंग नहीं तो कच्चा राशन ले जाओ, दो किलो चावल, दो किलो आटा, एक किलो दाल ले जाओ, और दो झोपड़पट्टी में चार छह लोगों को बांटो, सेवा करो, करना चाहिए। हम जो कमाते हैं उसमें से हमें निकालना चाहिए, यही हम गृहस्थियों का धर्म है, जो कि हम सब भूले बैठे। राजी मर्जी से भी घर में किया करो। हाँ कभी मन हुआ करे तो यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, ये दास रोज हजारों साधु, अभी हम लोगों ने आरती में एक बात कही है ना कि संतन की सेवा है ना, संतन की सेवा, संतों की सेवा करते रहा करो, यहां रोज अन्न क्षेत्र चलता है, आप सभी का ये योगदान, आपका सहयोग अनिवार्य है। चलो घर पे नहीं कर सकते तो फिर यहां जो सेवा होती है इस सेवा से जुड़ सकते हैं। यहां तो देखिए जरूरतमंद ही पाते हैं, यहां तो बिल्कुल सब जरूरत के लोग हैं, जिनको रोटी की जरूरत है वही लोग खड़े हैं और सब लोग पाते हैं। तो आप, आपके आसपास ना हो व्यवस्था तो आप इन के लिए भेज सकते हैं वृंदावन, किसी बहाने आपकी सेवा वृंदावन आ जाएगी, ठाकुर जी के द्वारा ठाकुर जी के पास तक पहुंच जाएगी, हमारी माएं भी खाएंगी और आपके द्वारा ये साधु संत भी तमाम प्रसाद पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, जी बुलावा आ जाएगा। तो बुलावा आए उसके पहले बिल्कुल तैयार रहिएगा, सारे काम धाम से निवृत्त हो जाइएगा। हो भक्तो, अच्छा आप लोगों की तैयारी है कि नहीं, बुलावा आएगा भगवान का तो जाओगे कि नहीं,
ऐसा तो नहीं, यानी आना एक मैया थी बहुत बूढ़ी, उसकी बहू गोबर कराया करती थी। दो गैया थी घर में, तो बहू कहा करती थी बैठी बैठी खाती रहती हो, चलो गोबर उठाओ। तो बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी, वो गोबर उठा रही थी। तो एक दिन टोकनी में गोबर ज्यादा भर लिया, बूढ़ा शरीर उठे ना। तो बूढ़ी सी मैया कह रही है, हे भगवान, मौत भी नहीं आती कि मैं मर जाऊं, बहू कितना काम कराती। यमराज जी वहीं से गुजर रहे थे, यमराज जी ने सुन लिया कि ये बुला रही है, आ गए यमराज जी। मैया चलो, बूढ़ी अम्मा ने कहा, कौन हो तुम? मैं यमराज हूं, अभी अभी आपने बुलाया कि मौत भी नहीं आती, मैं मौत हूं, आ गई, चलो तुम्हें लेने आया हूं। बूढ़ी मैया उन्हें बात घुमा दी। बूढ़ी मैया ने कहा, क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती? वैसे तो कभी नहीं आते, और मैंने मजाक में बोला तो आ गए, अब आए होते कम करो, ये गोबर की टोकनी उठवाओ। उठवा लिए यमराज जी से, यमराज जी चले गए। तो आदमी मरना नहीं चाहता, कितना भी बूढ़ा हो जाए। एक बार बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ लोग बैठने गए, बहुत बूढ़ी अम्मा थी। तो लोगों ने कहा, हे भगवान, जल्दी उठा लो। अब उनके मुंह से निकल गया कि देखो ये बड़ी तकलीफ में, उठा लो। तो बूढ़ी मैया, तेरे बाप का खाती हूं, क्यों उठा लो? मतलब सच बोल रहे हैं, आदमी मरना नहीं चाहता, जल्दी से व्यक्ति मरना नहीं चाहता। आप कितना भी कष्ट उठा भी, मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि घर परिवार की लातें बातें कितनी भी खाए, पर आदमी जल्दी मरना छोड़ना भी नहीं चाहे, मरना भी नहीं चाहे। पर क्या करो, तुम चाहो ना चाहो, पर मौत तो आनी है। इसलिए कहता हूं कि राजी मर्जी से अपने हाथ से दान पुण्य कर लो, सेवा करा दो, कर दो, बाद में फिर बैठे मत रहना बाद के लिए। हाँ, जब आप मरने लगते हैं ना, तब आपके बच्चे आपके नाम से गैया दान करते हैं, ऐसी बूढ़ी गाय दान करेंगे कि पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी। गौदान, सबसे बुढ़ी गाय खरीद के लाते हैं बेटे बाप के लिए गौदान। आपके मरने के बाद आपके बेटे बहुत अच्छा करें तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटे करें ना करें, आप अपने हाथ से करते चलो ना सब चीजें। अपने हाथ से गौदान कर लो, अपने हाथ से अन्न दान कर लो, अपने हाथ से भगवान का नाम जप लो, अपने कानों से भागवत की कथा सुन लो। भागवत की पोथी अभी बैठेंगी 24 दिसंबर से, आप भी पोथी एक पाठ अपना बिठा सकते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी सुख शांति के लिए, पूर्वजों के लिए बिठा सकते हैं। अब ऐसा कि जब आपके जाने के बाद फिर आपके बच्चे बिठवाएं, उसका इंतजार ही क्यों करो? आप जीते जी राजी मर्जी से करो ना सब चीजें, खुशी से, आनंद से। और बच्चे फिर बिठवाएंगे तो वो और प्लस होगा, कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है, वो भी आपके खाते पे जाएगा, मिलेगा। इसलिए अपने हाथ से जितना हम कर सकते हैं करना चाहिए।